फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे चैनल में। आज मैं आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ कि वहाँ पर कौन कौन सी रिक्रूटमेंट निकली है और किस पोस्ट के लिए है और कितनी पोस्ट हैं और क्या लास्ट डेट है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। हम इस वीडियो में ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। लैब अटेंडेंट की पोस्ट हैं, LDC की पोस्ट हैं, कुछ MTS की हैं और टोटल 16 पोस्ट हैं। लास्ट डेट है 24 फरवरी 2021 और इसमें टोटल 16 वैकेंसीज के लिए एज ग्रुप रहेगा 18 to 27 और आप कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशन है वो 10th या 12th पास हो। अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी को क्लियर कर लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की रिक्रूटमेंट में आप देख सकते हो जॉब प्रोफाइल, मैंने जैसे ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि LDC की पोस्ट है, लैब अटेंडेंट और क्वालिफिकेशन रहेगी 12th और 10th पास। टोटल 16 वैकेंसीज हैं। एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, फ्रेशर ये लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और सैलरी पैकेज रहेगा 8000 से लेके 56900 पर मंथ। बहुत बढ़िया पैकेज है और लोकेशन रहेगी बैंगलोर। इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 24 फरवरी 2021। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप इसको बहुत अच्छे से आप इसको देख लें और इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें, एप्लीकेशन ज़रूर डालें। जैसे वॉशरमैन, सफाई वाला, वॉचमैन, टेबल वेटर, ये एज ग्रुप भी इन्होंने अलग अलग एकदम स्पेसिफाई किया हुआ है। LDC के लिए जैसे 18 to 25 है, लैब अटेंडेंट 18 to 25, आप देख सकते हो मेरी वीडियो में वॉचमैन 18 to 25। तो टोटल वैकेंसीज जो हैं LDC की 3 हैं, लैब अटेंडेंट की 1 है, MTS PM की 2 हैं और माली की 1, वॉचमैन 3 पोस्ट खाली हैं, सफाई वाले के लिए 4, वॉशरमैन 1 और टेबल वेटर 1। अब आता है सैलरी पैकेज। सैलरी पैकेज बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हो LDC के लिए 19,900 रुपये से लेके 63,200 रुपये पर मंथ। बहुत बढ़िया पैकेज दिया है इन्होंने, हर कोई इसको अप्लाई कीजिए। और उससे पहले, अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को सबसे पहले एक सिलेक्शन प्रोसीजर से क्रॉस करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा एक रिटन टेस्ट जो कि 21 मार्च 2021 को होने वाला है। उसमें जो पेपर 1 और पेपर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप इसको प्लीज़ ध्यान से देखें। 25 मार्क्स का पेपर होगा और 25 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको सिर्फ टिक मार्क करना है। और पेपर सेकंड में होगा 50 मार्क्स के, टोटल 2 आवर्स का ये पेपर है। और पेपर 3 भी है जिसमें भी सेम 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। अब पेपर 4, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। तो टोटल 2 आवर्स में इसका आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और इसकी जो फीस है अप्लाई करने की ऑनलाइन, वो है 50 रुपीज़। आप इसको ऑनलाइन भी फिल कर सकते, जमा कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट रहेगा इसका, या तो आप चेक इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु, इसके नाम एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं और एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में फॉर्म को फिल करके, डॉक्यूमेंट अटैच करके 24 फरवरी 2021 से पहले पहले आप उसको अप्लाई करें। और पोस्टल एड्रेस मैंने आपको जैसे बताया है, द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु, ये पूरा इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हो, आप नोट भी कर लीजिए। तो आप इस एड्रेस पर अपनी एप्लीकेशन ज़रूर लगा दें, अभी आपके उसमें टाइम है। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद आए और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब, एनी इन्फॉर्मेशन, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।